हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक और नया और आसान डिजाइन बना के दिखाऊंगी थालपोश के लिए, जो कि देखने में बहुत सुंदर थालपोश बनेगा। तो इसके लिए ये वाला कलर कॉम्बिनेशन लिया है, आप रेड की जगह मैरून कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, कोई भी कलर ले सकते हैं। 3 प्लाई या 4 प्लाई उनमें ये डिजाइन बना सकते हैं। इसके साथ ही ये 11 नंबर क्रोशिया लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करेंगे। स्टार्टिंग 6 चेन से करेंगे, 6 चेन लेंगे। सर्कल बनाना है, इस तरह से जोड़ लेना है। देखिए, अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन के बाद जो ये सर्कल है, इसमें हमें टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जो कि एक तो चेन वाला हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए। इस तरह से 18 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। तो इस तरह से कंटिन्यू बना के तैयार करने हैं 20 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 20 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें 1 2 3 थर्ड वाली चेन पर जोड़ लेना है इसे, इस तरह से जुड़ जाएगा। ये देखिए, अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे और यहां से हमें फिर से डबल क्रोशिया शुरू करने हैं। देखिए, चेन वाला छोड़ के बीच में डालना है, 1 2 3। 3 चेन ली है और अब नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर। इस तरह से 2 हो गए, 1 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, एक और बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। इस तरह से बनाना है ये राउंड। नेक्स्ट में सारे डबल क्रोशिया बनाने हैं, बस चेन लेनी है हमें, 1 2, फिर 1 चेन। इस तरह से इसके 10 पार्ट होंगे ये वाला डिजाइन, जो 10 लाइन ये बनेंगी। तो कंटिन्यू बना लेने हैं, 1 2, फिर चेन, 1 2 चेन। ये देखिए, इस तरह से ये बनता जाएगा, 2 2 का एक साथ बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा सर्कल बना लेना है और फिर हमें जो चेन ली थी स्टार्टिंग में, उस पर बांध लेना है थर्ड वाली चेन पर, 1 चेन लेके। ये देखिए, अभी जो 2 डबल क्रोशिया हमने चेन लेके बनाए हैं, यहां पर हम 3 बनाएंगे और चेन एक ही रहेगी, 3, एक बीच में बना लेंगे, जो 2 डबल क्रोशिया है उसके बीच में बना लेंगे एक, और फिर एक नेक्स्ट पे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 1 चेन ले लेंगे, जहां पर चेन ली थी वहीं पर चेन होनी चाहिए, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर। इस तरह से हमें जितनी साइज बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो नेक्स्ट राउंड में 3 डबल क्रोशिया की जगह 4 बनाएंगे, फिर 5 6 7, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, एक एक चेन ही रहेगी। देखिए, तो इस तरह से मैं ये 6 7 राउंड कर लूंगी। इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 से 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8, इस तरह से जितना साइज बढ़ाते जाएंगे ये बनता जाएगा, और ये चेन एक ही लेनी है हमें कंटिन्यू। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 7 राउंड ये मैंने लिए हैं। तो ये देखिए, जहां पर चेन ली थी वो लाइन बन गई है, और बाकी ये हम बढ़ाते गए, 2 बनाए थे, 3 4 5 6 7 8। अगर आपको साइज और बढ़ाना है तो और भी आप बना सकते हैं, जितने भी साइज में आपको चाहिए, बिल्कुल सिंपल और आसान है। ये देखिए, अब हम ये कलर हटा देंगे यहीं पर और दूसरा कलर यूज करेंगे, तो इसको यहां से हटा देंगे। तो
रेड कलर स्टार्ट करेंगे, एक राउंड डबल क्रोशिया कर लेंगे बिना चेन लिए पूरे सर्कल पर। ये देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीन चेन और हर एक डबल क्रोशिया पर बना लेना है। इस तरह से एक राउंड लेना है सर्कल पर। पांच डबल क्रोशिया के बाद दो डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में, इससे घेर अच्छा हो जाएगा इसका। ये देखिए इस तरह से ये एक राउंड हमें बना लेना है पूरे सर्कल पर। उसके बाद हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक राउंड रेड का ले लिया। ये देखिए सर्कल बनके ये तैयार हो गया है। अब हम डिजाइन बनाएंगे इस पर। बिल्कुल आसान डिजाइन है, आसानी से आप बना सकते हैं इसे। 15 चेन लेंगे, हो गई 1, 2, 3, 4। अब यहां पर हम फोर्थ चेन में डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब गहरे गहरे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। गहरे गहरे बना लेंगे और काउंट करते जाएंगे, या फिर नेक्स्ट में भी सेम काउंट करके ही बनाने हैं इसलिए काउंट कर लेंगे। इस तरह से पूरे में गहरे गहरे बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से गहरे गहरे बना लिए। अब हमें इसे यहां पर बांध लेना है 1, 2, 3 वाले में। फिर 3 वाले में बांध लेंगे। और यहां पर एक चेन लेंगे और ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, इसमें डाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक छोड़ देंगे, नेक्स्ट में डाल लेंगे। इस तरह से एक छोड़ के और नेक्स्ट में डाल के नेट का डिजाइन हमें बना लेना है, बॉक्सेज वाला। ये वाला छोड़ देंगे, इस वाले में बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बना लिया। अब यहां पर 1, 2, 3, 4 फोर चेन और एक्स्ट्रा ले लेंगे और टर्न करेंगे। और फोर चेन और लेंगे फिर। तो ये देखिए ये इस तरह से बना के तैयार कर लेना है राउंड। और अब हम 8 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चेन हो गई। काउंट करके 6 वाले में डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 वाले में डाल लेना। इस तरह से ये एक अच्छा सा बॉक्स तैयार हो जाएगा। फिर एक चेन लेनी है और अब डबल क्रोशिये पर बनाना है। अब हर एक चेन पर चेन और डबल क्रोशिये पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए सेम इसके जैसा बॉक्स बन जाएगा। और 2 बॉक्स एक्स्ट्रा लिए हैं इस राउंड में, इस वाले की बजाय। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहां पर इसे बांध लिया है। फिर से चेन ले लेंगे
यहाँ पर दो चेन ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा गहरा डिजाइन बनाना है तो, और फिर टर्न कर लेना है। अब यहाँ पर हमें एक चेन लेनी है और ये वाला छोड़ दूंगी मैं, इस वाले में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, बीच में एक चेन और दो, और इस तरह से चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक बॉक्स छोड़कर एक में। फिर एक चेन लेनी है, ये वाला छोड़ देंगे, इसमें बना लेंगे, एक चेन, फिर बॉक्स में दो डबल क्रोशिया सेम बॉक्स में, ये देखिए इसी तरह से बना लेंगे पूरे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पांच इसके बने हैं, पांच बॉक्स ये वाले। तो अब आप चाहें तो ये इसके बीच में डिजाइन डालेंगे, वो रेड में डाल सकते हैं या व्हाइट में भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ व्हाइट में डालने वाली हूँ जिससे ये डिजाइन निकल के आए, अच्छा दिखे। तो इस वाले धागे को हम निकाल देंगे, एक अच्छे से बांध के इसे, बाद में इसको सेट करके फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखिए अब यहां पर व्हाइट कलर जोड़ेंगे हम, आप चाहें तो रेड में कंटिन्यू बना सकते हैं। तो व्हाइट से डिजाइन स्टार्ट करेंगे अब, तो यहां पर बांधना है पहले डिजाइन स्टार्ट करने के लिए, जैसे सारे में व्हाइट आए, नहीं तो यहां भी बांध सकते हैं। एक ये मैंने सिंगल क्रोशिया लिया, एक हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे, इससे बहुत सुंदर डिजाइन बनेगा, शेप बहुत अच्छी आएगी। और अब दो डबल क्रोशिया ले लेंगे, और दो ट्रिपल क्रोशिया बीच में, ट्रिपल क्रोशिया एक भी ले सकते हैं या दो भी ले सकते हैं। फिर दो डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से ये बना लेना है। ये देखिए बहुत अच्छी शेप आती है ऐसे। और अब इसको हमें यहां पर बांध लेना है बीच में, फिर सेम उसी तरह से शुरू कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। तो सेम डिजाइन पूरे में बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आगे का बताएंगे कैसे बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से पूरा ये बना लेना है, ये पांच डिजाइन इसमें लगे हैं। तो ये ऐसे ही छोड़ देना है, ये जब लास्ट का इधर का बन के आएगा तो इसको उससे जोड़ना है इस तरह से। अब नेक्स्ट रेड कलर फिर से शुरू करना है, तो इस वाले कलर को निकाल देंगे व्हाइट को, तो अब हम इसमें अंदाजे से जगह छोड़ देंगे, उसके बाद काउंट करके छोड़ते जाएंगे सब में बराबर बराबर। तो ये मैं 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया छोड़ के सेवंथ में डाल के ये वापस से शुरू करने वाली हूँ, 6 डबल क्रोशिया छोड़ के। सेम ही चेन लेंगे जितनी यहां पर ली थी उस हिसाब से, और चेन लेके इस वाले पर बांध लेना है एकदम बीच में। अगर सेकंड वाले पे बांधना है तो सेकंड वाले पर भी बांध सकते हैं, लेकिन ये इसी पे सही बंधेगा, इस तरह से आएगा ये डिजाइन बाद में, तो ये इसी पे सही लगेगा। इस तरह से चेन ले ली, अब फिर से हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं, काउंट करके बनाएंगे, जितने इसमें बनाए उतने ही इसमें बनाएंगे।
तो देखिए सेम उतने ही डबल क्रोशिया बना लेने जितने इसमें बनाए हैं, और अब सेम यही डिजाइन बनाना है कंटिन्यू, जिस पूरे सर्कल पे जितने बनते हैं कंटिन्यू बनाते जाएंगे इसी तरह से, और डिजाइन तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान सा डिजाइन है, देखने में बहुत सुंदर लगेगा ये बनने के बाद। लास्ट में आप चाहें तो इस पर फिनिशिंग कर सकते हैं रेड कलर से, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा ऐसे भी। तो ये देखिए इस तरह से ये राउंड बना लिया है। अब हमें चार चेन लेनी है, 1, 2, 3, इस तरह से चार चेन लेके और इस सेकंड वाले में बांध लेना है इसे। वन टू, दो चेन लेके और फिर हमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दो चेन छोड़ के। देखिए ये इस तरह से एक बॉक्स बन गया। फिर नेक्स्ट वाला बनाएंगे एक चेन लेके डबल क्रोशिया पर। तो सेम इसी तरह से जैसे कि हमने पहले वाले में 8 चेन लेके 2 बॉक्स बनाए थे, इसी तरह से ये वाला ले लेना है। जब लास्ट वाला आएगा तो हम इसे भी उस पर बांध देंगे। इस तरह से बना लेना है पूरा राउंड। अब हम सेम ऐसे ही एक चेन डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, देखिए ये इस तरह से आएगा। फिर नेक्स्ट जो व्हाइट राउंड लेंगे उसको हमें यहां बांधना है थर्ड वाले पर। देखिए रेड का ये वाला डिजाइन भी हमने बना लिया है चार चार डबल क्रोशिया का। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाला हम यहीं से शुरू कर लेंगे बांध के। यहां बांध देंगे और यहां से डबल क्रोशिया जो सेम शेप है वो ही बनानी शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया। बिल्कुल आसान सा डिजाइन है, एक बार वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। बीच बीच में देखने से वो बीच का रह जाता है तो फिर समझ में भी नहीं आ पाता है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। आसान सा डिजाइन है ये देखिए। तो ये इसके टच भी हो गया, बंद भी गया और ये डिजाइन भी बन जाएगा इस तरह से। तो पूरा डिजाइन हमें इसी तरह से तैयार करना है। व्हाइट का शुरू कर लेंगे, फिर सेम इसी तरह से सारे बनाते जाएंगे। लास्ट में इसे भी हमें जोड़ लेना है। जो लास्ट का हमारा डिजाइन बनके तैयार होगा व्हाइट वाला यहाँ आएगा लास्ट में ये वाला पार्ट, तो उस पर हमें इसे भी जोड़ लेना है। और इस तरह से डिजाइन ये बहुत ही सुंदर निकल के आएगा। ये देखिए व्हाइट कलर लगाने से और निखर के आया है ये। तो इस तरह से बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरे सर्कल पर ये डिजाइन बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद ये मैंने फिनिशिंग करी है सिंगल क्रोशिया से। ये ऑप्शनल है, करना चाहें तो ठीक है, नहीं इसके बिना भी रख सकते हैं। और इस तरह से डिजाइन बना के तैयार कर ले, बहुत ही आसान डिजाइन है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।